ऐसी मजबूरी में बदला गया। और जब श्री धनंजय सिंह ने अपना पर्चा वापस लेने की बात कही, कहा कि हम चुनाव से बाहर चले जाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी स्थिति में हमें अपना प्रत्याशी लड़ाना पड़ा। और माननीय श्याम सिंह यादव जी जो हमारे सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी से, उन्हीं को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और श्याम सिंह यादव जी भारी मतों से जीते। अब सुन रहे थे बहुजन समाज पार्टी के नेता घनश्याम चंद्र खरवार को, उन्होंने बता दिया कि जौनपुर के अंदर उन्हें प्रत्याशी क्यों बदलना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर में अपना प्रत्याशी बदल दिया है। जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी अब पूर्व सांसद वर्तमान सांसद घनश्याम सिंह यादव को बना दिया। इससे पहले श्री कल्ला रेड्डी को टिकट देकर मैदान में उतारा था, लेकिन अचानक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को देर रात अपना प्रत्याशी यहाँ पर बदलना पड़ा और श्री कल्ला रेड्डी की जगह पर उनको सिंह यादव को प्रत्याशी है वो बना दिया है। बीएसपी ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने किन मजबूरियों और परिस्थितियों के अंदर यहाँ पर अपना प्रत्याशी है वो बदला है, ये बीएसपी ने साफ कर दिया है। था कोई भी हो सकता था, जब श्री कला जी हमारी प्रत्याशी बन गई, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मान्य बहन जी से रिक्वेस्ट किया, हम लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमको प्रत्याशी बनाइए, तो उनको प्रत्याशी बना दिया गया था, प्रत्याशी बना दिया गया था। और जब उनके हस्बैंड खुद चुनाव से बाहर अपने को कर ले रहे हैं, तो हमें किसी ना किसी को चुनाव लड़ाने था, तो हम माननीय श्याम सिंह यादव जी को चुनाव लड़ा रहे हैं।